बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, अच्छी बात है, बढ़िया रहिए। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अपनी व्याकरण वसुधा से। कौन सा अध्याय? अध्याय 4, संधि। ठीक है, शब्द रचना संधि। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था शब्द रचना, ठीक है, इसमें शब्दों के वर्गीकरण कराया गया था। आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना संधि। संधि क्या होती है बच्चों? संधि होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है संधि करना, यानी कि मेल करना। जैसे आप दोस्ती करते हो ना, तो वही होती है संधि करना। संधि मतलब मेल करना। जब दो वर्ण या दो शब्द आपस में मिलते हैं, तो उनके जो मिलने पर एक विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। अर्थात जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण आपस में मिलते हैं, तो एक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, और उस विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उनमें क्या होता है? विकार होता है, नहीं, परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि। जैसे कि देवालय, ठीक है, देव प्लस आलय, ठीक है। तो देव, देव में क्या, व, देव का अंतिम वर्ण क्या है? व में क्या निकल रहा है? आलय का पहला शब्द क्या है? दूसरे शब्द का आलय का शब्द क्या है? आ। तो आ धन आ, व में जो आ निकल रहा है वो आ, और आलय का आ, दोनों मिलके हमारा क्या बना? बड़ा आ। तो शब्द हमारा क्या बन गया? देवालय, ठीक है। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और इसी तरह होता है संधि विच्छेद, ठीक है। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करने की विधि, जब हम कुछ संधि कर लेते हैं, जैसे हमने देवालय बना लिया, अब देवालय को हमें अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? देव अलग करेंगे, आलय अलग करेंगे। तो संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब ही हो गया अलग करना, ठीक, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी संधि किए गए शब्दों को अलग करने की विधि हमारी संधि विच्छेद हो गई। तो इसको हम करेंगे आज बोर्ड पर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, बोर्ड पे नहीं पढ़ेंगे, आज हम कॉपी पे पढ़ेंगे, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि, ओके। संधि, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि संधि संस्कृत भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। ये संधि जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ हमने क्या बताया था? जोड़। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़, ठीक है। शाब्दिक अर्थ है जोड़, ठीक है। यानी कि जब दो वर्णों का मेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा है, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं, ओके। उसे संधि कहते हैं, यानी कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे है विद्या, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। अब विद्या में क्या निकल रहा है? आ, विद्या आ निकल रहा है अंतिम में। पहला शब्द क्या है? विद्या, और दूसरा शब्द क्या है? हमारा आलय। तो परिभाषा ने क्या कहा था? पहले शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण हमारा क्या निकल रहा है? विद्या आ धन, और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, तो दूसरा शब्द हमारा आलय है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ।
दोनों को मिला के क्या बना? आ। ठीक, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, हमारी संधि क्या हो जाएगी? विद्यालय हो गया ना। यानी कि जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या कहा, परिवर्तन हो गया ना। विद्या हम अलग बोल रहे हैं, आलय हम अलग बोल रहे हैं, विद्या आलय। और हमने जब विकार हुआ तो क्या बना दिया संधि, विद्यालय, इसको तो हो गया विद्यालय, ये हमारी संधि हो गई। अब आता है हमारा संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, अब हमने जो संधि की थी, ये हमने संधि की थी यहाँ पर, अब इसको हमें क्या करना है, विच्छेद यानी अलग करना है। जैसे हमने क्या बनाया था, विद्यालय, ये हमारा संधि हुई थी। ठीक है, अब इसको हम अलग कैसे करेंगे, विद्या उल्टा फिर कर देंगे, विद्या धन आलय। ठीक, विद्या का आलय का बराबर बड़ा, ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। कभी कभी परीक्षा में क्या आता है कि संधि कीजिए, जब अगर संधि कीजिए आएगा तो आपको कैसे करना है, विद्या धन आलय आ प्लस आ बराबर बड़ा और विद्यालय। अगर हम कहते हैं कि संधि विच्छेद कीजिए तो संधि विच्छेद में क्या होगा, विद्यालय होगा, आपको विच्छेद करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है। इसमें क्या है, संधि में मिला देना है, जोड़ना है और इसमें तोड़ना है। ठीक है, विच्छेद में अलग करना है और संधि में आपको जोड़ना है। अब आता है संधि के भेद। तो बच्चों संधि के हमारे तीन भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। ओके, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरी हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, कौन कौन सी संधि है, स्वर संधि, संधि के कितने भेद हैं, तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमारी स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, पांच। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद्य संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयाद्य संधि। तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं बच्चों जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ठीक, स्वर हमारे कितने थे, हमने पहले बताया था आपको, स्वर हमने बताए थे कि स्वर 11 होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ओ बड़ा ओ री ए ऐ ओ ओ। अंकाहा हमारे क्या होते, अंकाहा हमारे क्या थे, अयो वा थे। इन ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन मात्राओं के प्रयोग के कारण इनको हम स्वर में रखते हैं। तो स्वर संधि में क्या है, जब स्वरों का स्वरों से मिलान होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने हमने बताए, पाँच, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद्य संधि। तो आज हम क्या करेंगे, इन पांचों संधियों के बारे में जानेंगे। तो पहली संधि हमारी क्या है, हमने बताई दीर्घ संधि, और इसका सूत्र होता है अकासवर्णे दीर्घा। खैर सूत्र से भी आपको नहीं मतलब है, आपको मतलब है दीर्घ संधि से। ठीक है, दीर्घ संधि, ओके, दीर्घ संधि हमारी क्या कहती है, दीर्घ संधि हमारी कहती है जब ह्रस्व, ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा होता है ना, छोटा सा अनार, तो ह्रस्व मतलब छोटा, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, अथवा दीर्घ, दीर्घ मीन्स बड़ा, जैसे बड़ा आ से आम, बड़ी से ईख, बड़ा उसे ऊन, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर छोटा, छोटा सा अनार, छोटी से इमली और छोटा उसे उल्लू, ये हमारे छोटे हैं और दीर्घ मतलब बड़े। ठीक है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ, कौन कौन से स्वर, आ ई ऊ के बाद, ठीक है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ के बाद कौन से स्वर आए, के बाद क्रमशः आ ई ऊ, मतलब यही स्वर दोबारा आए, आमने सामने हमारे यही स्वर हों। ठीक है, तो क्या होता है, तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई ऊ आए तो दीर्घ आदेश होता है। ठीक है,
जब छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ या बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ आए और उसके बाद क्रमशः वही स्वर आए सामने तो दोनों को दीर्घ आदेश यानी दीर्घ संधि का क्या अर्थ है कि जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई ऊ के बाद क्रमशः आ ई ऊ दीर्घ आदेश आए तो क्या आदेश होता है दीर्घ आदेश होता है। जैसे हमने क्या कहा देव धन आलय ठीक है। अब देव वा में क्या निकल रहा है आ छोटा आले में आ बराबर क्या कहा गया है कि दीर्घ आदेश होगा तो बड़ा आ ठीक है कभी भी छोटा आ नहीं होगा। अगर आपके सामने दोनों आ छोटे हैं तो भी आपका क्या होगा दीर्घ आदेश ही होगा जैसे कि ठीक है तो क्या बनेगा हमारा देवालय। अब दूसरा देखिए रवि धन ईश ठीक है। रवि कौन सी मात्रा निकल रही ए की और इसमें दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई ठीक है। अब एक तरफ छोटी है एक तरफ बड़ी है तो लेकिन हमने क्या कहा बताया था कि दीर्घ ही आदेश होगा यानी कि बड़ी ई ही होगी ठीक है। अगर दोनों तरफ भी छोटी है तो भी हमारा बड़ी ही आदेश होगा और दोनों तरफ बड़ी ई है तो बड़ी ई होगा ही ठीक है। बराबर क्या बना रवीश ठीक है। जैसे भानु धन उदय ठीक। अब इसमें क्या आ रहा है छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा बड़ा ऊ ठीक है। भानु दय नदी धन ईश नदी दा में कौन सी मात्रा है बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी क्या बनेगा हमारा नदीश नदीश ठीक है। अब हमारी दूसरी संधि कौन सी है गुण संधि। कौन सी संधि गुण संधि। गुण संधि हमारी क्या कहती है कहती है कि जब आ और बड़ा आ ठीक है छोटा और बड़ा आ के बाद क्या आए के बाद छोटी या बड़ी ई आए ऊ अथवा बड़ा ऊ आए री वर्ण आए ठीक है तो क्या होगा तो ई का क्या होगा ई का ए ऊ का ओ और री का अर आदेश होता है ठीक है। जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए ऊ या ऊ आए या री वर्ण आए तो ई का क्या बन जाएगा ए ऊ का ओ और री का अर हो जाएगा। जैसे महा धन ईश महा पहले वर्ण पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई तो हमने क्या बताया जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो ई का क्या हो जाता है ए क्या बनेगा ए तो क्या बनेगा मा अब आ और ई तो हो गए ए तो महेश महेश ठीक है। दूसरा देखिए सूर्य धन उदय सूर्य आ निकल रहा है ना और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ और जब आ के बाद ऊ आए तो ऊ क्या बन जाता है हमारा ओ तो क्या बना सूर्योदय ठीक है। आ और ऊ हमारे क्या हो गए ओ हो गए सूर्य ओ दय सूर्योदय। अब तीसरा देखिए उदाहरण महा धन ऋषि महा महा में क्या निकल रहा है आ धन री और आ के बाद री आए तो क्या बनेगा अर जैसे महर्षि ठीक है महर्षि हो गया ठीक है। आ के बाद ई आए तो ए ऊ आए तो ओ और री आए तो अर ये कौन सी संधि हमारी गुण संधि। स्वर संधि की तीसरी संधि कौन सी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि ठीक है तो वृद्धि संधि में क्या होता है वृद्धि आदेश होता है यानी कि जब आ या
आ के बाद, आया आ के बाद, यानी कि छोटा और बड़ा आ के बाद क्या है, ए ऐ ओ ओ, ठीक है, ए ऐ आए या ओ ओ आए, तो दोनों के स्थान पर, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश होगा, ठीक है, वृद्धि वृद्धि आदेश होगा, अर्थात आ या आ के बाद ए आए तो ए ही होगा, और आ या आ के बाद ओ या ओ आए तो क्या होगा, ओ होगा, ए या ओ नहीं होगा, ठीक है, जब आ या आ के बाद ए आए आए या ओ ओ आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, वृद्धि आदेश होगा और ए हो जाएगा और ओ होगा, ठीक है, ए और ओ नहीं होगा, सिर्फ वृद्धि ही होगी। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण है एक धन एक, का में क्या निकल रहा है, आ क, और ए का ए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, शुरू से आपने पता है, तो आ के बाद ए आए तो हमने क्या कहा है, वृद्धि आदेश, तो ए का हम क्या करेंगे, ए बना, क्या हमारा ए, का में ए की मात्रा क्या है, का में कौन सी मात्रा आ गई, ए की, तो ए कै क, क्या शब्द बना हमारा, ए कै क, और हमारी संधि कौन सी हुई, वृद्धि। इसी तरह से महा धन औषधि, महाधन औषधि, महा आ और ओ बराबर ओ, क्योंकि हमें वृद्धि ही आदेश करनी है, तो मा हा और ओ बन गए हमारे ओ, तो महौषधि, हमारा संधि क्या बनी, महौषधि, ठीक है। जैसे तथा प्लस एव, तथा क्या निकल रहा है, आ ए, और हमने क्या कहा था, आ या आ के बाद ए आए ओ ओ आए, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश होगा, वृद्धि आदेश, तो क्या बन जाएगा, ए, तो तथैव तथैव, ठीक है। चौथी संधि है हमारी यण संधि, यण, यण का मतलब होता है या वारा, ठीक है, यण का मतलब क्या होता है, या वा रा, हमने पढ़ाया था ना, या कौन से शब्द बताए थे, जो हमारे अंतस्वर्ण थे बच्चों ना, या वाराला, वही शब्द यण, उसी को हम यण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब ई ऊ री, जब ई ऊ री के बाद, के बाद कोई असमान, जो इनके समान ना हो, ठीक है, ई के समान ना हो, ओ के समान ना हो, री के समान ना हो, जैसे कि दीर्घ संधि में था कि उनके समान स्वर आए थे, लेकिन इसमें क्या है, जब ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर, जो उनके समान ना हो, असमान स्वर आए, तो क्या होता है, तो जो ई है हमारा, तो ई का या हो जाता है, ई जो हमारी होती है वो या में बदल जाती है, ऊ का हमारा क्या बन जाता है, ऊ का वा बन जाता है, और री हमारी जो होती है, री का रा हो जाता है, ठीक है। जैसे या वारा, ठीक है, यण संधि में यही है ना, मतलब कि अंतस्वर्ण के हमारे क्या, या वारा, यानी ई ऊ री के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है, क्लियर है। जैसे देखिए, जैसे इति धन आदि, इति में क्या निकल रहा है, ता में ई की मात्रा निकल रही है, आ में आ निकल रहा है, और जण संधि क्या कह रही है, जण संधि कह रही है कि यदि ई के बाद कोई असमान स्वर, ई के बाद ई तो नहीं आया है, आ आया है, तो ई का क्या हो जाएगा, समान स्वर आए तो ई का या, तो हमारा क्या बन गया, ई, इसमें से मात्रा हट गई ता में से,
ता में से मात्रा हमने हटा देता, ई का या हो गया, तो ये आधा हो जाएगा इत। अब ये ई और आ मिलके तो या बन गए थे हमारे, या दी इत्यादि, ठीक है। दूसरा हमारा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है हमारा जैसे सु धन आगत, सु धन आगत। अब सु, सु में क्या निकल रहा है, ऊ छोटा ऊ, धन आ बराबर, हमने क्या कहा था ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऊ का क्या बनेगा, ऊ का व, ऊ का व बनेगा। अब हम इसको संधि करेंगे कैसे, क्योंकि मात्रा तो हमने निकाल ली, ठीक, तो ये हो गया आधा हो जाएगा क्योंकि हमने मात्रा निकाल ली इससे, तो ये आधा हो गया आधा सा। और ऊ और आ मिलके क्या बन गए हमारे, वा बन गए, स्वा गत, ठीक है, स्वा गत। एक और ट्रिक है, हम इसको बताते हैं यण संधि का ट्रिक क्या है, आपके या वा और रा से पहले वो जो हमारा वर्ण होगा वो आधा वर्ण होगा, ये बहुत बड़ी पहचान है यण संधि की, ठीक है। या वा और रा जो हमारे वर्ण बन रहे हैं ना, ई का या, ऊ का वा और ई का रा, ठीक है, ये जब हमारे होंगे वर्ण, इनसे पहले का जो वर्ण होगा वो हमेशा आधा रहेगा, ये हमारे यण संधि की पहचान है। तीसरा देखिए, पितृ धन आज्ञा, पितृ में क्या निकल रहा है, री, री की मात्रा आ रही है ना, आ, और असमान वर्ण है तो री का हमने क्या बताया था, रा, री का रा हो जाएगा। अब क्या इसे बनेगा, पे, हमने तो मात्रा निकाल ली यहाँ से री की, और री की जब मात्रा निकाली तो ये हो गया पित्रा, और पित्राज्ञा बन गया हमारा, ठीक है। हमने ट्रिक क्या बताई आपको कि या वा रा से पहले जो हमारा वर्ण होगा वो आधा होगा, ठीक है। तो हमारी स्वर संधि की पांचवी संधि कौन सी है, आयादि संधि, आयादि संधि, ठीक है। आयादि संधि हमारी कहती है आयादि, यानी कि जब ए आए ओ ओ के बाद यदि कोई स्वर आए, ठीक है, यदि कोई भी स्वर आए ए आए ओ ओ के बाद, ठीक है बच्चों, जब ए आए ओ और ओ के बाद कोई स्वर आए, ठीक है, कोई स्वर आए तो क्या होता है, तो ए का जो हमारा ए है, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का बनता है आए, ओ ए का होता है आए, ओ का बनता है आव, और ओ से बनता है हमारा आव, ठीक है, आव हो जाता है, ठीक है। ए का क्या बनता है आए, ए का बनता है हमारा आए, ओ का अव, ओ का आव, यानी कि ए के बाद कोई भी स्वर आए आए, ए के बाद कोई स्वर आए आए, ओ के बाद कोई स्वर आए तो अव, और ओ के बाद कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे है ने प्लस आयन, ने, ने में क्या निकल रहा है हमारा ए, और इसमें क्या आ रहा है आ, कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या हमने कहा था, क्या बनेगा आए, तो न और ए तो क्या बन गए, ए की मात्रा और आ हमारे क्या बन गए थे आए, तो नए, नयन, ठीक है, ने और आ हमारे क्या बन गए थे आए, नयन। दूसरा देखिए, पो धन अन, अब हमारा दूसरा शब्द है पो धन अन, पो में क्या निकल रहा है ओ और आ, ओ के बाद कोई शब्द आए, कोई वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, समान स्वर आए तो अव हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा अव, क्या बन गया पो, यानी पा हमारा है, और ओ और आ तो हमारे बन गए हैं अव, तो पव, वन, क्या बन गया पवन, ये हमारा क्या बन गया नया, ने प्लस अन न यन, ठीक है। अब दूसरा देखिए, न धन अक, न
ने में क्या निकल रहा है, ए आ, बराबर ए के बाद आए तो क्या बनेगा हमारा, आए आए, तो ने तो हमारा बन गया है क्या, आए, तो नायक नायक, ए और आ हमारा क्या बन गया, आए, तो नायक। ऐसे ही हमारा पौ धन अक, पौ में क्या निकल रहा है, ओ धन आ, बराबर आओ, ओ के बाद कोई स्वर आए तो आओ, ए के बाद कोई स्वर आए तो आए, ओ के बाद कोई स्वर आए तो आओ, और ए के बाद कोई स्वर आए तो आए। ठीक, अब हमारा यहाँ क्या है, पा और आ तो बन गया हमारे आओ, तो पा वक, ठीक है, नयन पवन नायक और पावक। ठीक है, ये हो गई हमारी स्वर संधियाँ। अब अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे व्यंजन और विसर्ग संधियाँ। ठीक है बच्चों, हमने क्या सीखा, संधि सीखी और संधि के भेद सीखे। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसमें हमने आज क्या सीखा, स्वर संधि के भेद। ठीक है, इसको अच्छे से आप भी प्रैक्टिस करिएगा घर पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, और वैसे भी हम कल डाउट क्लास से मिलेंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे। ओके, तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बाय बाय।